नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। बिजली विभाग के पदाधिकारियों की मनमानी के खिलाफ आक्रोशित अभाविप ने किया विरोध प्रदर्शन। तेगरा प्रखंड अंतर्गत बगराही डीह स्थित बिजली ऑफिस कार्यालय पर पदाधिकारियों की मनमानी एवं उपभोक्ताओं से मीटर लगाने एवं गड़बड़ी डिजिटल मीटर बकाया बिल के नाम पर अवैध वसूली के विरोध में आक्रोशित अभाविप बरौनी इकाई के सदस्यों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व नगर मंत्री आनंद कुमार एवं संचालन नगर सह मंत्री जितेंद्र कुमार ने किया। वहीं धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अभापिप जिला संयोजक सह LNMU छात्र संघ अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि बिजली विभाग बरौनी कार्यालय लूट खगोश का अड्डा बन चुका है। गरीब लोगों से लाइन मैन और मानव बल के द्वारा जेई और SDO की मिली भगत से डिजिटल मीटर बकाया बिल नया मीटर के नाम पर बरगला कर जबरन अवैध वसूली की जाती है। बिजली विभाग के पदाधिकारी का यह रवैया जिला प्रशासन और राज्य सरकार के लिए चुनौती है। इस तरह उपभोक्ताओं शोषण काफी निंदनीय और चिंतनीय है, जो अभाविप संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर बिजली विभाग के पदाधिकारी सचेत नहीं होते हैं तो विभाग के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। वहीं धरना प्रदर्शन को देखते हुए फुलवरिया थाना पुलिस मुस्तैद थी। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे अभाविप का विशिष्ट मंडल SI सुधीर सिंह की उपस्थिति से सीनियर एक्सिक्यूटिव इंजीनियर रंजन कुमार देव के प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से वार्ता की और उसकी मांगों पर जांच कर कार्रवाई एवं बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार करने की दिशा में जल्द पहल किए जाने का आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। मौके पर SFD प्रमुख अमन आनंद, नगर सह मंत्री विकास कुमार झा, कृष्णा कुमार, सोनू कुमार, चंदन राजा, विकास सोनू, रितेश जितेंद्र सहित दर्जनों की संख्या में अभाविप कार्यकर्ता एवं परेशान उपभोक्ता मौजूद थे। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।